हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छोटे आम का अचार, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और छोटे छोटे आम के अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर मार्केट में आपको ये छोटे आम मिल जाए तो इसे आप ज़रूर खरीद के लाएं। अगर आपके घर में पेड़ हो और टूट के गिर जाते हो तो उसका भी आप अचार एकदम आसानी से साल भर स्टोर करके रख सकते हो। इतनी अच्छी ये अचार बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आज हम बनाते हैं आम के ये अचार। तो हमने यहाँ पे 1 केजी आम ले लिया है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 1 केजी आम ले लिया था और इसे हमने एकदम अच्छी तरह से धो लिया है और सुखा भी लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ऊपर का टॉप को इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसे बीचों बीच काट लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे 2 भाग में भी काट सकते हो, आप चाहे तो इसे 4 भाग में भी काट सकते हो, या फिर इसी तरह से भी रहने दे सकते हो। जो इसका अंदर का भाग है उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और हमने यहाँ पे इस तरीके से आम को काट के कर लिया है। तो आप चाहे तो इसे बीचों बीच से भी काट के इस तरीके से आम को छोटा साइज का भी बना सकते हो, या फिर इसे आप पूरा भी रख सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों, हम सारे आम को काट के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, तो आम को मैंने काट के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम एक बड़े से बर्तन लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा भगोना जैसा बर्तन ले लिया है। अब हम आम को इसी में डाल देंगे और आम को डालने के बाद हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच नमक ले लिया है और इसी के साथ 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और अब हम हल्दी और नमक को मिक्स कर लेंगे। तो हल्दी और नमक इसमें हम मिक्स करके रख देंगे तो इस आम का जो पानी है वो सारा निकल जाएगा। इस नमक और हल्दी डाल के इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। या तो इसे आप धूप में रख दें या फिर इसे आप घर में भी रख सकते हो। 2 घंटे में आम का जितना पानी होगा वो सारा निकल जाएगा और आपका आम का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम आम को चेक कर लेते हैं। 2 घंटा हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आम से पानी निकल गया है। तो अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे। आप चाहे तो इसे कपड़े में भी फैला सकते हो, लेकिन ये आम थोड़ा सा है तो मैं इसे इसी तरह से फैलाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, आम का इतना सारा पानी निकला है। अब हम इसे 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। 4 घंटे में ये एकदम अच्छी तरह से सूख जाएगी, इसका सारा पानी ऊपर का सब ड्राई हो जाएगा। अगर आपके पास धूप नहीं आता हो तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, आम एकदम अच्छी तरह से सूख गई है, इसमें एक भी मॉइस्चर नहीं है। आम को मैंने 4 घंटा के लिए धूप में सुखा लिया है। तो यहाँ पे आम भी अच्छी तरह से सूख गई है। तो अब हम इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। आम को हम एक सूखे हुए बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस भी बर्तन में आम को रखे वो बर्तन एकदम सूखा होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं मसाला बनाने के लिए। हम एक पैन में हम तेल गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप से 1-2 चम्मच कम है तो हमने यहाँ पे सरसों तेल लिया है और इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे साइड मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, पैन गर्म हो गया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों डालेंगे और 2 टेबल स्पून काली वाली सरसों डालेंगे और 1 टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे और 2 टेबल स्पून जितना हमने यहाँ पे सौंफ ले लिया है और 1 छोटा चम्मच मेथी दाना ले लिया है। अब हम इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सुन सकते हो, इसमें चटचटाहट की आवाज़ आने लगी है। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे और उसे हम इसी तरीके से भून लेंगे। भी खुशबू एकदम अच्छी तरह से आने लगी है, पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। अब हम गैस को बंद करके इसे एक बड़े से बर्तन में डाल के इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसी पैन में, इसी गरम पैन में अजवाइन और मंगरेला को भी भून लेंगे। इसे हम पीस के नहीं डालेंगे,
इसीलिए हम इसे अलग से एकदम हल्का सा उसी गरम तवे में भून लेंगे। गैस ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, गरम पैन में ही आप इसे हल्का सा इस तरीके से छोड़ दें। तो दोस्तों यहाँ पे खड़े मसाले ठंडा हो गया है, अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। तो इसे हम एकदम पाउडर नहीं बनाएंगे, इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। तो यहाँ पे हमने मसाला को इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। अब हम अचार वाले बर्तन को लेंगे, तो जो हमने यहाँ पे आम रखा है उसे ले लिया है। अब हम इसी में जो मसाला पीस के रखा है उसे डाल देंगे, और इसी के साथ हमने जो अजवाइन को पैन में गर्म कर लिया था उसे भी डाल देंगे, अजवाइन और मंगरेला को। और हमने यहाँ पे एक छोटा चम्मच हींग ले लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। चम्मच हमने भर के हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, तो अचार में नमक ज़्यादा जाता है तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक ले लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कुटी वाली मिर्च डालेंगे, ये तीखा होता है तो आप तीखा अपने पसंद का कम ज़्यादा कर सकते हो। आम में हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हमने जो तेल गर्म करके ठंडा कर लिया है उसे डालेंगे, और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आम में हमने अच्छी तरह से मसाला को कोट कर लिया है, और जो बच गया तेल है उसे भी हम डाल देंगे। हम तेल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/4 कप विनेगर ऐड करेंगे, इससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये आम थोड़ा कम खट्टा होता है तो इससे ये खट्टा भी हो जाएगा, और आम का अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, और बिल्कुल मार्केट की तरह इसका टेस्ट आएगा। इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हल्का सा कम लग रहा है। 1/2 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर और डाल दिया है, बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर का यूज ना करें। तो यहाँ पे सालों साल चलने वाली आम की अचार तैयार हो गया है। तो आप भी छोटे आम का इस तरीके से अचार बना के खा सकते हो, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे पूरी पराठा या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, ये आम का अचार इतना टेस्टी लगता है और ये सालों साल चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो मेरी अगर अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।